अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। खैर आप लोग मेरे बालों को इग्नोर करें क्योंकि बारिश हो रही है, इसकी वजह से गीले होकर ख़राब हो गए हैं। बाकी ये है कि मौसम जो है बहुत आला हुआ है, वैसा होकर देखें बादल हर जगह हैं, तो हमने इसी का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि यार क्यों ना आज बाहर चलें, मौसम अच्छा है। तो खैर अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो इसी में जाना है, हम कौन सा पैदल जा रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं, तो भाई बस रेडी शेडी हो रहे हैं बाकी सब, तो फिर चलते हैं। और आज मे भी कुकिंग का और कैंपिंग का प्लान है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे है, बस अभी जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि किधर जाना है, ये तो जब हम जाएंगे तो पता चलेगा। ओ ये देखिए शेरू बिल्कुल मेरे पास आ गया था मैं व्लॉग कर रहा था, बिल्कुल साथ आ गया था। हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं कोटला अरब अली खान और हमारा प्लान बना है भिम्बर वाली साइड पे, यहीं से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा तो भिम्बर जा रहे थे, लेकिन भिम्बर में जाते हुए मसला ये हो गया कि बाबा शादी शहीन का रास्ता था बंद, तो वो इसलिए कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है बारिश की वजह से। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि यार हम भिम्बर से जाते हैं मंगला डैम की तरफ, मंगला जाते हैं। तो अभी आप ये देखें मीरपुर हास वाली साइड पर जा रहे हैं और रास्ते में ये पहाड़ आ रहे हैं, और ये देखें भाई जो भिम्बर की बारिश का जो पानी था ना, ये वो है पानी, ठीक है। बाकी ये पहाड़ हैं, अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे हैं ये रोड पर, ठीक है। और अभी चलते हैं तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर खाना बनाना है अभी जाके और उसके बाद देखेंगे। बाकी व्यू जो है दिल तो मेरा यही है यार, यहीं पे मैं लगा लूँ अपना कैंप और यहीं पे भाई बैठ जाऊँ। फाइनली यार इतना ज़्यादा ट्रैवल और खजल खुआर होने के बाद, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था तो रास्ते का एक तो मैं पता नहीं था, तो मैप लगाया था, आपको पता है गूगल मैप कहीं भी सही उसने रास्ता बताया नहीं है, और इतनी खूबसूरत जगह पे भी मैं आ गया हूँ ना, ये देखें यार। ओए होए 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 होए, अभी मैं आपको उतर के इस साइड का सीन दिखाता हूँ, क्योंकि इस साइड पे है डैम व्यू, मंगला डैम व्यू है, तो ये वाला एरिया तो यार मैं कहता हूँ इतना कमाल का। अभी ये देखें ये कोई जगह नहीं है रोकने की, लेकिन मैंने यहाँ पे रोका साइड पे, एक से पिक्चर्स वगैरह लेनी है और वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे जहाँ पे व्यू है वहाँ जाके हमने कुकिंग करनी है। चलो जी आपको व्यू दिखाता हूँ फिर मैं, ये देखें ओए होए होए होए, ज़ालिम व्यू आ रहा है यार, ज़ालिम मतलब खानपुर डैम से भी अच्छा व्यू आ रहा है यार, यकीन मानो सुभान अल्लाह यार, क्या बात है क्या बात है, बहुत आला व्यू आ रहा है इसका। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एक व्यू पे जहाँ पे हम कुकिंग करने लगे हैं। व्यू ऐसा सच कोई ख़ास तो नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे हमने ना रख लिया और यहाँ पे हम बना रहे हैं अचारी गोश्त, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये नहीं समझ आ रही यार, ये देखें यहाँ पे जो बोट्स वगैरह ना पानी के अंदर उन्होंने डाली हुई है, अब पता नहीं ख़राब है जो भी सीन है। बाकी जो भी है कुकिंग कर रहे हैं हम, इस वक्त आपको दिखाता हूँ, ये देखें इन्होंने भी ना यार जो मीरपुर वाले लोग हैं ना, इन्होंने भी लोहड़ियों वाला काम पकड़ा हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा कोई सीधा रास्ता नहीं था बता रहा, जिसे पूछो वो कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बड़ी मुश्किल से एक पॉइंट मिला है, खैर वो भी इतना ख़ास पॉइंट नहीं है, लेकिन ये है कि अब खाना क्योंकि खाना है, भूख बहुत सख्त लगी है, 3:30-4 बजे हैं,
ठीक है, तो दोपहर का खाना खाना है, तो इसलिए हमने कहा चलो यार जिधर भी जगह खाना खाते हैं उसके बाद चल जाएंगे कहीं और। यार गाड़ी हमने खड़ी की हुई थी ऊपर और हम थे वहाँ पे नीचे, तो मैंने सोचा यार गाड़ी को नीचे ले जाता हूँ अपनी आंखों के सामने। खैर अभी चलते हैं। जैसे ध्यान से लेके जानी पड़ेगी हमें गाड़ी। Two hours later. मैं इस वक्त आ गया हूँ आसफा भुट्टो पार्क में जो कि डैम के बिल्कुल साथ है। चलो जी अब थोड़ा सा घूम रहे हैं तो आगे चलते जाते हैं। इस वक्त हम जो डैम के स्पिलवेज वाला एरिया होता है, मतलब जो बन बना होता है किस्म का, तो वो देख उसके ऊपर जा रहे हैं। वहाँ से एक जो व्यू है ओवरऑल वो अच्छा आ जाएगा। और सबसे पहले तो माजरत यार, कैमरा की क्वालिटी मुझे पता है अच्छी नहीं आ रही, इसके अलावा शायद वॉइस क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही। उसकी रीज़न यही है कि मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया, आईफोन के यही रोल हैं और मैं दूसरे फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन से कर रहा हूँ। और इस वक्त जो मैं ऊपर आके जो व्यू देख रहा हूँ ना, वाह ये ऐसा लग रहा है यार मैं इस्लामाबाद में आया हूँ, यकीन माने। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये डैम वाला व्यू है,